दिल्ली एसटीएमसी द्वारा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चलाया गया और इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद है और सुरक्षा की व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। एसटीएमसी दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से 13 मई तक अतिक्रमण अभियान का पहला चरण चला रहा। आज हमारा जो लोगों का ये मत होता है हम धर्म विशेष पर कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों को भी ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। हम लोगों की, जनता की सेवा के लिए, लोगों को जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। स्कूल की बच्चों की बसेस आनी चाहिए, स्कूल की वैन आनी चाहिए, एम्बुलेंस आनी चाहिए, आपकी फायर टेंडर आनी चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से समाज में जो छोड़ी हुई सरकार के द्वारा सड़कें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। इस पर हम काम कर, लोगों ने ग्रिल्स वगैरह बैरिकेड्स लगा करके रोड को छोटा किया हुआ है। आज उन सब को हटाने का हमारा जो प्लान है और ये गुरुद्वारे से शुरू होकर के अशोका पार्क तक जाएगा और दोनों रोडों को इसको इसके अंदर लिया गया है। इसलिए आज उस क्षेत्र को पूर्णतः इंक्रोचमेंट से मुक्त कर दिया जाए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी तक कितना अतिक्रमण जो है हटाया गया है और कहां कहां पर अतिक्रमण हटाया गया है, एक बार ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से या फिर कहें दिल्ली नगर निगम की तरफ से लगातार कार्रवाई की थी और यहाँ पर हम मंगोलपुरी की बात करें तो मंगोलपुरी के इलाके के अंदर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया गया हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लगातार पहले इस तरफ से हर तरफ से कहीं ना कहीं छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी जो उसको तोड़ा गया है और बुलडोजर की कार्रवाई जो थी वो लगातार की गई है। हम दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है और बुलडोजर की कार्रवाई जो थी वो लगातार की गई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने की तो अतिक्रमण को बिल्कुल हटाया जा रहा है और लगातार कोशिश यह की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जितना भी अतिक्रमण है उसको साफ किया जाए। यहां पर जिस तरीके से विरोध भी किया गया था कल शाहीन बाग के अंदर, मगर यहां पर मंगोलपुरी की बात करें तो मंगोलपुरी के इलाके के अंदर अभी तक विरोध नहीं किया गया और लोगों ने अपने आप ही जगह पहले खाली कर ली थी। बुलडोजर ने आके सिर्फ कह सकते हैं जो ईंटें थी या फिर मलबा था उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। जी अमित, जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है या सियासी कार्रवाई हो रही है क्योंकि इसमें विपक्ष लगातार कूदता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को और निगम को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं जो सियासी जो माहौल है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें निगम की तो निगम की तरफ से जितनी भी कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा ये दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। यहाँ तक कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार अभी भी जारी है। मगर यहाँ से बुलडोजर जो है यानी मंगोलपुरी इलाके से बुलडोजर जो है वो जा चुका है, मगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी अभी भी यहां पर मौजूद है और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहां पर अभी तक जो स्थिति है वो सामान्य है। जी, इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है तो इसी बीच आप विधायक का बुलडोजर के सामने लेटने का मामला भी सामने आया है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कल बुलडोजर के आगे लेटने की कोशिश करी और यहाँ तक की बुलडोजर की कार्रवाई जो थी वो रोकने की कोशिश करी थी, मगर जिस तरीके से यहाँ की बात करें मंगोलपुरी की तो मंगोलपुरी के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मगर हाँ, आशंका जरूर थी, वो आशंका अभी तक पूरी नहीं हुई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई है उससे तो लगता है कि निगम की तरफ से जितनी भी कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफी हद तक कारगर होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं काम किया जा रहा है और की कार्रवाई जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है, पुलिस अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है, लगभग कह सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार यहाँ तक आगे तक बैरिकेडिंग की गई है, वो देखिए आगे तक बैरिकेडिंग की हुई है, वहां तक पुलिस के अधिकारी अभी भी मौजूद है और पुलिस भी यही चाहती है कि हर तरीके से सामान्य स्थिति के अंदर ही सब कुछ मैनेज होता हुआ नजर आए। जी राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और जो यहाँ पर मलबा यहाँ पर जमा हुआ है, बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो इतना मलबा यहाँ पर जमा हुआ है इसे हटाने के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उसके बाद में जो मलबा है वो हटाने की लिए बिल्कुल कोशिश की जाएगी और लगातार कार्रवाई भी की जाएगी। मगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे मलबा कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों ने पहले से ही किस तरीके से ये काम जो है वो हटा लिया था, यानी कि जो अतिक्रमण था यहाँ पर दुकानें थी कसके मीट वगैरह की, और यहाँ पर ये लगातार उसको खाली करने के लिए पहले से ही कोशिश की गई थी। मगर यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की गई एमसीडी की तरफ से वो कहीं ना कहीं सराहनीय, मगर लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है उससे तो जाहिर होता है कि एमसीडी के अंदर या फिर दिल्ली नगर निगम के द्वारा लगातार दिल्ली के अंदर जितना भी अतिक्रमण है उसको खाली करा लिया जाएगा। जी राजीव, कितना यहाँ पर कितनी दुकानें यहाँ पर अतिक्रमण की हटाई गई है, कुछ संख्या कुछ आंकड़ा आपके पास कुछ अपडेट है इसका? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें कितनी दुकानें हटाई गई हैं, हम दिखाने की दोबारा से कोशिश करेंगे यहाँ से लेकर ये आगे तक, यानी पूरी गली के लास्ट तक यहाँ कई दुकानें थी और छोटी छोटी दुकानें थी जो जिनके अंदर लोग अपना काम करते थे। अतिक्रमण के नाम पर इसको हटा दिया गया है, मगर लगातार कहीं जरूर की गई और कितनी दुकानें खाली कराई गई हैं, कितनी दुकानों को तोड़ा गया है, ये अभी तक एमसीडी की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया। जी राजीव, जिस तरीके से जिनके घरों में ये अतिक्रमण, जो अतिक्रमण के द्वारा ये घर बनाए गए थे, जो दुकानें बनाई गई थी अतिक्रमण के द्वारा, आज जहां बुलडोजर चला है, उन लोगों का रिएक्शन क्या सामने आया राजीव, एक बार बताइए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें लोगों की तो लोगों की तरफ से बिल्कुल कहा गया था कि हमने पहले से ही खाली करा लिया गया है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरीके से कार्रवाई की गई वो कहीं ना कहीं एमसीडी की तरफ से की गई है, मगर यहाँ की जो जनता थी वो पहले से ही कहीं ना कहीं उन पर जब नोटिस मिला था उसके तरीके से खाली कर लिया गया था, मगर जो थोड़े बहुत रह गया था वो खाली करा लिया गया। मतलब यहाँ पर दिखाएंगे कि जिस तरीके से बिजली विभाग के अधिकारी भी लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है, यहाँ तक कि एमसीडी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण के नाम पर जो भी खाली कराया गया है वो लगातार अभी भी जारी है, मगर बुलडोजर यहां से जा चुका है और यानी कि कह सकते हैं तो अभी जो कार्रवाई है वो यहां पर थमती भी नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और बुलडोजर यहां पर चला, बुलडोजर की एंट्री जैसे पहले जहांगीरपुरी में हुई और उसके बाद शाहीन बाग, जहां से तो हालांकि बुलडोजर वापस लौट गया था, उसके बाद आज मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आज ये बुलडोजर चला है, तो राजीव यहां पर जब ये बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की जा रही थी तो क्या यहां पर बीजेपी या आप या कांग्रेस के कोई नेता यहां पर मौजूद थे उस समय? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शाहीन बाग के अंदर कहीं ना कहीं विरोध किया गया था बुलडोजर का, बुलडोजर के आगे जो लोग थे वो भी लेटते हुए नजर आए, पॉलिटिकल भी स्टंट देखने को मिला, मगर यहाँ पर बात करें मंगोलपुरी के तो मंगोलपुरी के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ना ही यहाँ के जो नेता थे स्थानीय लोग थे उन्होंने कोई विरोध किया, मगर यहाँ पर ये बिल्कुल जाहिर है कि लगातार कार्रवाई जरूर की गई और कार्रवाई काफी हद तक सराहनीय मानी जा रही है, क्योंकि जनता अभी तक यहाँ पर किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रही थी और लगातार कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को एमसीडी की तरफ से बताया गया, मगर पर पुलिस के अधिकारी पहले से ही मौजूद थे ताकि किसी भी तरीके की घटना जो है वो यहाँ पर ना घट सके, क्योंकि शाहीन बाग के अंदर जरूर अंदेशा था कि भी कोई घटना घट सकती है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो कि एमसीडी की कार्रवाई थी वो पूरी होती हुई नजर आई। जी राजीव, जिस तरीके से ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हुई तो इसमें आप बता सकते हैं कि जितना इसमें टारगेट रखा गया था कि इतने अतिक्रमण हमें हटाने हैं तो पूरे अतिक्रमण यहाँ पर हटाए गए हैं जितना टारगेट यहाँ पर एमसीडी द्वारा रखा गया था? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें कितना टारगेट लिया गया था एमसीडी की तरफ से वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, मगर ये जरूर जरूर स्पष्ट है कि यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण था वो जरूर हटा लिया गया। वाई ब्लॉक की बात करें तो वाई ब्लॉक के अंदर जितनी भी यहाँ पर दुकानें थी, हम दोबारा से दुकानें दिखाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर लगातार छोटी छोटी दुकानें थी जिसके अंदर मीट वगैरह का जो सप्लाई का काम था या फिर जो कटाई का काम था वो होता था, मगर यहाँ पर जो जैसे ही नोटिस मिला एमसीडी की तरफ से वो कार्रवाई जो है वो लोगों ने भी कहीं ना कहीं मदद की और कहीं ना कहीं पहले से ही उसको खाली करा लिया गया, मगर जो थोड़े बहुत दुकान के जो खोके रह गए थे वो जरूर एमसीडी की तरफ से तोड़कर हटाए गए हैं। जी राजीव, जिस तरीके से ये बुलडोजर चला है और कोई ना कोई इस बीच में इस दिल्ली का कोई ना कोई शहर इस बुलडोजर का टारगेट बन रहा है, तो उसी हिसाब से अब अगला टारगेट कौन सा शहर रहने वाला है दिल्ली का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें एमसीडी की कार्रवाई कहाँ पर होगी ये एमसीडी को ही पता है, मगर एमसीडी की तरफ से कुछ समय पहले ही बताया जाता है कि ये उस इलाके के अंदर कार्रवाई की जाएगी, मगर दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक अतिक्रमण जो है वो जारी है, लगातार उसकी कार्रवाई भी की जा रही है, मगर यहाँ पर बात करें मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक की तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण है वो जरूर खाली कराया जा रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से अभी आप मंगोलपुरी में खड़े हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी आज ये बुलडोजर चला है, बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई है, कितना अतिक्रमण वहां से हटाया गया है राजीव?
देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें मंगोलपुरी की और जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण के नाम पर कहीं ना कहीं बुलडोजर जरूर चलाया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं वहां पर भी कोई ऐसा भी विरोध की जो घटना है वो नहीं जानकारी मिल पाई। मगर कह सकते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करें तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर भी लगातार अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। मंगोलपुरी की बात करें तो मंगोलपुरी के अंदर भी हटाया गया। हम लगातार यही चीज दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई थी और लगातार यहाँ पर ये चीज देखिए, ये यहाँ पर दीवारों की वो बनाई हुई थी और यहाँ पर तोड़ दिया गया है इसको, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई के अंदर हर चीज जो भी अतिक्रमण के नाम पर आ रही है उसको हटा दिया जाए की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ बात करें मस्जिद भी है और मस्जिद के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन बाग का नाम लिया जा रहा था कि विरोध किया जा सकता है, मगर यहाँ पर ऐसी कुछ भी चीज या फिर कोई घटना ऐसी देखने को नहीं मिली। जी राजीव, यहाँ पर जो स्थानीय लोग अभी मौजूद हैं, एक बार उनके पास जाइए और उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या उनका रिएक्शन इसको लेकर, इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सामने आ रहा है, जो यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है। राजीव देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई वाकई में क्या सच्चाई क्या है। सर आप लोगों से जानने चाहेंगे क्या यहाँ पे यहीं के रहने वाले आप, ये सर ये बताइए कोई आपके ऐसे यहाँ पे यहाँ का रहने वाला है, आप ये बताइए ये अतिक्रमण खाली कराया गया था, बुलडोजर आया था तो क्या पहले से नोटिस दिया गया था? कल जी नोटिस दिया गया था, सबने अपना पहले हटा लिया गया था, पुलिस वालों ने बोला तो सबने अपना भी अपना सब कुछ हटा लिया, 45 साल से पुराना था, सबने अपना खुद ही सरकार से जिन्होंने अधिकारियों ने बोला, पुलिस अधिकारियों ने सब पहले से हटा लिया, अब कुछ बचा नहीं था, अब ये है थोड़ा बहुत मलबा पड़ा था, यानी कि आपने वो लोग पहले से ही खाली कर लिया था, सब कुछ खाली कर लिया था, एक भी नहीं बचा। आप बताइए क्या आप यहाँ पर जब दुकानें थी आप लोगों की तो पहले से आपको नोटिस दिया गया था? नोटिस नहीं आया सर, हमारे पास एसएचओ साहब ने शिकायत करी थी भाई इनको दुकानों हटा दो, हमने हटा दिया, हमें कोई परेशानी नहीं थी ना उनसे, हमें कोई परेशानी ना किसी परेशानी, हमें तो खुद सुकून फिर सुकून है, मगर जाए छोटे बच्चे हैं सबके गरीब हो गए, ये पलते थे गरीब बच्चे, बस और कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा जब हटाया गया था तो उसके बाद में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, जो यानी कि उसके अंदर सिर्फ सामान नहीं था, सिर्फ आपके खोके खोके थे वो, कुछ खोके भी नहीं था, खोके भी नहीं था हमारे, कुछ मलबा था यानी कि खाली, सिर्फ वो बुलडोजर ने वही चीज हटाई है बस, और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ के जो स्थान, जब बार बार कहा जा रहा था कि भाई जो स्थानीय जो नेता है वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं सर, नेता यानी कि आप लोगों की तरफ से जो एमसीडी की कार्रवाई हुई है वो यानी कि सही सही तरीके से हुई है? ये तो हर चीज सबके लिए पूरी दिल्ली में है, जहाँ जहाँ कॉलोनी घेर रखी उन्होंने, हम भी कह रहे हैं हमारी तरफ भी घेर हुई थी, हमने घेर रखी थी थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत दुकानें घेर रखी थी, तोड़ दिया कोई बुरी बात नहीं, कह गई मगर बच्चे पाले थे बस ये पाले था। अच्छा आप जब आप लोगों की दुकानें या फिर कहें जो आप लोगों की जो रोजी रोजगार था वो खत्म हो गया, आप कैसे करेंगे आप गुजारा? कहीं ना कुछ करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, कुछ करेंगे, बस तेज करेंगे। अच्छा आप बताइए, आप बताइए यहाँ पर जिस तरीके से आप दुकानों को खत्म कर दिया गया, तो आप लोगों को कोई वादा या विश्वास दिलाया हो कि भाई आप लोगों को दूसरी जगह दी जाएगी? भाई जी एसएचओ साहब ने बताया कि मैंने तय बाजारी बताया करके कोर्ट से मैंने करवा दूंगा, एनसी और दे दूंगा या थाने से, आप लोग एक दो महीने तीन महीने। अच्छा यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाया गया तो इससे कहीं ना कहीं आप लोग संतुष्ट हैं क्या, क्योंकि ये तो इलीगल था, पहले भी हटना था और बाद में भी हटना था, जब हटाया गया तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग रह रहे हैं, पहले तो ऐसे हुआ ना, अब क्यों हो रहे हैं? अच्छा निगम लगातार 15 साल निगम के, भाजपा जो है निगम के अंदर रही, 15 साल तक कार्रवाई नहीं की गई, आज एकदम अचानक अचानक वही तो भैया क्यों किया अचानक, या मैं पहले नोटिस देते या मैं कुछ खबर करते भी ऐसा हटाओ सेट करो, हम तो चालान करवाते हैं कोर्ट होके एमसीडी के सब चालान करते हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं थी, बस अचानक कराया उन्होंने। तो देखा आपने कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं सहयोग करती हुई नजर आई, क्योंकि जैसे ही इनको जानकारी मिली थी तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही इस जगह को खाली कर दिया गया था, मगर सिर्फ एक ईंटों के दीवार थोड़ी बहुत वो रह गई थी, ईंटें रह गई थी या फिर कहें दीवार रह गई थी, उसको जरूर एमसीडी के बुलडोजर ने तोड़ने का काम किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।